हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, ये प्रीवियस में आपके सामने जो है न्यूज़ चलती थी, और TGT PGT भर्ती में आप देख सकते हैं, बाबा ने सीधे सीधे कहा था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पदों की डिमांड। इसीलिए हमने लक्ष्य रखा था, जो हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें हम बार बार 27,000 पदों की बात करते थे। इसीलिए करते थे कि बाबा ने कहा था, प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ 74,000 भर्ती खाली है, जिसमें UP SSC के थ्रू 30,000 पद भरे जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थ्रू 27,000 भरे जाएंगे, उच्चतर सेवा चयन आयोग के थ्रू 17,000 भरे जाएंगे। कुल मिला के लगभग ये 74,000 भर्ती भरने की बात कर रहे थे। चुनाव से पहले का डाटा है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दिए हैं। क्या कहा है? जेल वार्डन में चिन्हित नियुक्तियों को पत्रित देने के साथ साथ इन्होंने बताया है कि बहुत खास काम होने वाला है। इसमें चयन बोर्ड को उन्होंने बोल भी दिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी मूल रूप से इनके अध्यक्षों के साथ बात हुई है, जितने भी भर्ती हैं उनमें भर्तियों की कार्यवाही की जानकारी ली है, और बताया है कि लगभग इसमें तेज़ी लाई जाए और बहुत जल्द भर्ती कराई जाए। अब इतनी तेज़ी ला दी गई कि TGT में जो अभी तक एक महीना पहले डाटा ये चलता था, आप देखते रहे होंगे, 4700 पदों पर कराया जाएगा TGT PGT की भर्ती। ये अभी 25 दिन पहले का न्यूज़ होती थी। ये आप देख सकते हैं, बताया जाता था 4500 TGT हैं और जो है 850 PGT हैं। मैं तथ्यों के साथ आया हूँ। 5350 पद बताए जा रहे थे और लगभग इसमें 2000 प्रिंसिपल के जुड़ने वाले थे, तो ये लगभग जा रहा था 7000 से प्लस, यानी 7350 पद के करीब जा रहे थे। इसमें भी कटौती हो गई, आपने देखा कि इसे विज्ञापन आया 624 पद, PGT के लिए आया 624 पद। ये किसी एक विषय के सब्जेक्ट के बराबर हैं, किसी एक विषय में इतनी वैकेंसी आई थी अगली बार 2595 अगली बार थी, और TGT में तो 3539 ही पद आए। तो ये सब पद कहाँ चले गए? कम से कम ये मीडिया बंधुओं को ध्यान में रखना चाहिए था, सरकार से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे। केवल चुनाव और ज्ञानवापी से काम बनने वाला नहीं है। आपने ही ये न्यूज़ लिखा है, कोई हमने नहीं लिखवाया, या सरकार ने ज़बरदस्ती आपसे नहीं लिखवाया, सरकार ने बोला तब जाके आपने लिखा था। तो कैसे इसमें जो है अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई कि इसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतनी बड़ी संख्या में पदों की कमी हो गई? मैं यही जानना चाहता हूँ। कम से कम 27,000 ना दे पाते तो जो डाटा आपके पास प्रीवियस में था, अभी 15-20 दिन पहले आपका ये सामने आता था कि 4700 पद हमारे यहाँ इसके खाली हैं, 850 PGT खाली हैं, उसमें भी आपकी कटौती हो गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। जब समायोजन हो चुका था तो मूल रूप से मिलना चाहिए था, और साथ ही साथ बड़ी संख्या की बात यह है कि ये सबसे बड़ा डाटा ये आता है। आप जानते होंगे, उम्मीद खत्म, तदर्थ शिक्षकों को अब ना नौकरी ना ही वेतन, ना नौकरी देंगे ना वेतन देंगे। 2000 के बाद की नियुक्ति के संबंध में साफ कर दिया गया है डाटा। तो बेटा, सन 2000 यानी वो 22 साल आपको सेवा दिए, उसके बाद उन्हें भी हटा दिया गया, और इनकी संख्या लगभग आपने बताया है कि ये 30 दिसंबर 2000 के बाद जितने भी नियुक्ति तदर्थ शिक्षक हैं उनको सेवा में बनाए रखना या वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं है, ऐसा बताई गई है, बताया गया है, साफ साफ बता दिया गया। और इसमें ये शर्तें दी गई कि 2021 वाले में इन्हें तदर्थ शिक्षकों को अवसर प्रदान किया गया था, इन्हें पास करना जो है अनिवार्य था, इन्हें भारांक भी दिया गया था। आप जानते होंगे इनका जो है 35 नंबर मैक्सिमम जो है 35 नंबर भारांक के रूप में जुड़ना था। जितने साल इन्होंने सेवाएं दी हैं उतने 1.75 नंबर इनके जुड़ते। अगर ये 20 साल दिए हैं तो लगभग इनका डाटा इतना निकल के आ जाता, ठीक है? तो 17 × 2 = 34 लगभग 35 नंबर इनके हो जाते 20 साल में ही। तो इस टाइप से पूरा डाटा दिया गया था। हालांकि अगर तदर्थ आपने हटा दिया तो तदर्थ के सीटें तो भरनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमें लग रहा है सरकार भी इसमें राजनीति कर रही है, और जो भर्ती कराने वाली संस्था है वो भी राजनीति कर रही है कि अगर छोटी छोटी भर्तियाँ आएंगी तो राजस्व बढ़ेगा। राजस्व कैसे बढ़ेगा? लाखों फार्म पड़ेंगे, लगभग 15-20 लाख फार्म पड़ जाएंगे, और 20 लाख फार्म पड़ेंगे तो कमाई कितनी होगी? एक फार्म का 750 रुपये है, 750 रुपये के हिसाब से कितनी कमाई हो जाएगी? ये तो बात होगी फार्म की। फार्म के बाद पेपर देना, पेपर दिलाने में भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा इनका आता है, पेट्रोल लाओगे तब भी इनका ही GST जाएगा, सेंट्रल GST, स्टेट GST, या फिर वैट लगाते हैं पेट्रोल पे वैट। कुछ खाओगे, कुछ और करोगे, रोडवेज से जाओगे, उसका टैक्स अलग मिलता है। सब कुछ सरकार के ही ऊपर निर्भर करता है। कुल मिला के छोटी छोटी भर्तियाँ निकालेंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होगा तब जाके भर्ती आएगी, और उसमें भी बहुत कामयाजा भुगतना पड़ेगा, ये हमें लग रहा है पूरा चाल है। और कुल मिला के सरकार केवल और केवल, जैसे कहा जाता है ना कि दाल में नमक, बस वही नमक भर का काम कर रही है। तो ये नमक भर के काम से हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ। जो है TGT PGT के लिए अगर ज़्यादा भर्ती नहीं आ पाती थी तो कम से कम ये 27,000 डाटा जो आप कह रहे थे बाबा जी,
कम से कम इस पे तो आपको ध्यान देना ही चाहिए था, ये चुनाव से पहले का नतीजा है। आप बोल रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पद खाली हैं हमारे पास, तो इस पे तो अमर कल ही लेते, अभी समय नहीं चला गया। आप नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, अगर दबाव बनता है तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, एक बार फिर से ट्वीट करें, और एक साथ अगर आप ट्वीट करते हैं तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन में बदलाव संभव है, ठीक है। और अगर कोई और बड़ी अपडेट निकलती है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज किए कि सर कब सरकार ने कहा था कि 27,000 पद खाली हैं, तो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि आप पढ़ लीजिए बेटा, पूरा पूरा डाटा आप पढ़ लीजिए, कब कहा था, किस लिए कहा था, किस विषय पे कहा था, सब कुछ पूरा दिया गया है, अच्छे से दिया गया है, और चुनाव से पहले के ये डाटा, ठीक है। और चुनाव के बाद तो ये डाटा आता था, चुनाव के बाद ये डाटा आता था, ये 4700 पद का आएगा डीजीटी पीजीटी। जब ये 4700 की न्यूज़ चल रही थी तभी हम कह रहे थे कि इस टाइम अगर आप लोग मेहनत करेंगे अपने पास के विधायक से, MLA से, MP से, या फिर जो है कोई भाजपा जिलाध्यक्ष है, कोई भाजपा महामंडली, उसे कुल मिला के डाटा मिल जाता है, उसके पास पैड मिलता है, पैड में उसका नाम पता सब कुछ लिखा होता है, उसका पद लिखा होता है, जब वो भेजेगा मुख्यमंत्री आवास को डाटा तो उस पर सीरियसली होती है, क्योंकि सरकार उनकी है, आदमी उसका है, तो वो कहता है तो उस पर खास असर पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद आप लोग अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोगों की मेहनत रंग लाती। फिलहाल अब जब भर्ती आ ही गई है तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। आप जानते होंगे कला वाले सेगमेंट में केवल 148 पद आए हैं TGT के लिए, और जबकि PGT के लिए मात्र 14 पद। 14 पद तो हमें लग रहा है कोई एक ज़िला आप देख लेते वहाँ PGT में मिल जाते, फिर भी पता नहीं कैसे 75 ज़िलों में ये लोग 14 ढूंढ लिए। हमें लग रहा है ड्रोन लगा के ढूंढे होंगे तब जाके ऐसा डाटा मिला होगा इन्हें। थोड़ा सा और मेहनत कर लेते अगर DIOS महोदय तो हो सकता था कुछ उम्मीद जग जाती, कुछ ज़्यादा बेरोज़गार रोज़गार की तरफ अग्रसर हो जाते। फिर भी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है बेटा, तैयारी की जाएगी, अगर कुछ अपडेट होती है आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।